अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ से खुश आमदीद। मैं वजीउल्लाह आज आपसे मुखातिब हूँ और मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा वो जे एम प्लाजा मार्केटेड बाय होमी प्रॉपर्टीज़ और पाकिस्तान प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कोलैबोरेट विद होमी प्रॉपर्टीज़। हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और जे एम प्लाजा के बारे में मैं बताऊँ कि जे एम प्लाजा क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिए और बिज़नेस के लिए। तो वागेंट की बस्ती लालौत में ये वाक़ है और बहुत अहम जगह पे वाक़ है और ये प्लाजा 3 मंजिला प्लाजा है, कंट्रोल बोर्ड से अप्रूव्ड है और इसकी जो शॉप्स हैं वो डबल डोर फेसेस शॉप्स हैं और 3 साइड ओपन प्लाजा है और इसके 2 मिनट की मुसाफत है, यानी कि आप पैदल वॉक करें तो जीजी रोड आ जाती है और अगर आप राइट साइड पर वॉक करें तो गोल चौक बस्ती का वो आ जाता है, ठीक है। और बहुत रश एरिया है ये और इसके बेसिकली ये फूड स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बैंक भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, लेकिन बेसिकली वो ये रोड जानी जाती है फूड स्ट्रीट के नाम से। तो यहाँ ज़्यादा रिफ्रेशमेंट ज़्यादा है और हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं और इसके साथ आपके मोबाइल शॉप्स हैं, ये इसके साथ रहती हैं। और दूसरी मेन वजह ये है कि इसके सामने जो डबल रोड है ये मेन रोड है, आप यहाँ से जीटी रोड्स की तरफ निकल भी सकते हैं और जीटी रोड से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं जो बस्ती में शॉपिंग करने के लिए आती हैं वो इसी बैरियर से गुजरती हैं जो इसके सामने बैरियर है, ठीक है, शरीफ अस्पताल वाला बैरियर। तो ये मेन जगह है और ये प्लाजा भी बैरियर के बिल्कुल 2 मिनट के फासले पर है अगर आप पैदल वॉक करते हुए हैं। वाइट पार्किंग है और आप गाड़ी आसानी से पार्क कर सकते हैं, आपको गाड़ी रोड को गार्डिंग करने की जरूरत नहीं। मतलब बाद अवत ऐसा होता है बस्ती में ज़्यादातर ये मसला ये है, ज़्यादातर पार्किंग का इशू है। आप किसी भी मॉल में चले जाएँ तो उन्होंने कस्टमर जो भी आता है वो रोड के ऊपर गाड़ी पार्क करके फिर शॉपिंग करने जाते हैं। बाद अवत ऐसा होता है कि रोड आधी ब्लॉक हो जाती है, गाड़ी गुजरना मुश्किल हो जाता है, तो यानी कि रोड जैम हो जाती है। बाद अवत ऐसा होता है कि एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता। तो जे एम प्लाजा ने ये परेशानी भी दूर की है, उन्होंने अपनी पार्किंग रखी है, कस्टमर आसानी से आए और शॉपिंग करे और चला जाए, ठीक है। आपको रोड के ऊपर गाड़ी खड़ी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा जे एम प्लाजा बहुत क्राउड एरिया पे है, बहुत ज़्यादा रश होता है और शाम के वक्त मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ आपके निशानी होगी और शाम के वक्त बहुत ज़्यादा रश होता है, फैमिलीज आती है ज़्यादातर शाम को शॉपिंग करने के लिए और वैसे भी अपनी तौर पर रश होता है यहाँ पर, लेकिन फैमिली ज़्यादातर आती है शॉपिंग करने के लिए शाम के वक्त। और बहुत अच्छी जगह है आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कारोबार करने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको पेमेंट प्लान बताता हूँ, चलूँ कि क्या पेमेंट प्लान है। पेमेंट प्लान की बात करता हूँ चलूँ, इसका जो पेमेंट प्लान है वो 180 लाख है, 50 लाख आपको एडवांस जमा करवानी है और 130 लाख जो है आपको 18 मंथ में जमा करवानी है। उसके अलावा आपकी जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है वो 130 लाख की शॉप्स हैं, आप 1 करोड़ रुपया आप 18 मंथ में जमा करवाएंगे और 30 लाख जो है आप एडवांस जमा करवाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर में जो है आपकी शॉप 65 से 77 लाख तक आपको मिल जाएंगे, वो आप 25 से 30 लाख आप जमा करवाएंगे, बाकी 18 मंथ की इंस्टॉलमेंट में आप जमा करवा सकते हैं। और इनकी 3 मंजिला ये प्लाजा है, फ्रंट एलिवेशन बहुत खूबसूरत है, सीएस 3 साइड ओपन प्लाजा है और कंट्रोल बोर्ड से अप्रूव्ड है, फ्रॉड का कोई चक्कर नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर देखना चाहें तो ये थ्रॉटी की तहसील टेक्सला के 3-4 मिनट के फासले पर वाक़ है बस्ती लाला, तो बहुत अच्छी जगह है, फ्रॉड का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं, कंट्रोल बोर्ड के अंदर है सारा कुछ, हम आपको कंट्रोल बोर्ड से
करके आपके हवाले करेंगे, जब आप शॉप जो है वो परचेज कर लेंगे तो हम 1200 का एक पेपर होता है स्टॉक पेपर, उससे भी आपको लिख कर देंगे कि आप शॉप सेल भी कर सकते हैं, रेंट भी कर सकते हैं और जब चाहे सेल कर सकते हैं इसको। तो सेल हो चुका है, चार शॉप्स रह गई हैं, तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है। अभी आप शॉप लेंगे तो कुछ अर्से बाद, यानी कि अभी आपने बुकिंग करवा ली है, मिसाल के तौर पर 30 लाख आपने जमा करवा दिए, बाकी 1 करोड़ भी आपने जमा करना है। अब जितनी देर में ये शॉप्स की इंस्टॉलमेंट पूरी होंगी 18 मंथ में, तो जब आपके पास ये शॉप्स आएंगी, आपके पास आ जाएंगी, तो इनकी जो कीमत है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। मतलब अभी आपने 1 करोड़ 30 लाख के लिए है, तो हो सकता है 1.5 साल बाद आपको ये 1 करोड़ 50 लाख की इसकी मार्केट हो जाए, हो सकता है 1 करोड़ 70 लाख इसकी मार्केट हो जाए। ठीक है, तो बेहतरीन है इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अगर आप करना चाहते हैं अपनी फ़ोटो कापी, अपनी शक्तिकार की फ़ोटो कापी और सेकेंड ऑर्डर जो होगा उसका, उसकी फ़ोटो कापी और पिक्चर्स वो आप लेकर आए, तो जब हम आपस में बैठेंगे बात करेंगे तो मज़ीद कमी बेशी हो सकती है। तो अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।